बात को कि 1 करोड़ डिस्प्ले वाल को तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। और सभी साथियों को मैं सबसे पहले बधाई के साथ मैं अपनी बातचीत शुरू करूंगा, क्योंकि सितंबर में जिस तरह से स्पीड आ रही है बिजनेस की और हम माल जो है सप्लाई करते करते दिन रात और ना संडे ना सैटरडे कुछ भी नहीं, फुल करने के बाद भी कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है कि माल अब तो काफी मिल गया है, तो वही पहले वाले दिन और उससे भी आगे बढ़कर काम हो रहा है। तो बहुत बहुत बधाई सभी को, और ये जो गति है ये दिखाई दे रही है आगे क्या होने वाला है। और अभी मैं बहुत ज्यादा विषयों पे बात नहीं करके मैं सीधा आ जाता हूँ आरसीएम डिस्प्ले वाल के बारे में। मैं एक ही शब्द कहना चाहता हूँ कि आरसीएम डिस्प्ले वाल अपने आप में कोई ये बिजनेस की बात नहीं है, ये कोई पैसा कमाने का या ऐसा नहीं है, ये कोई मैं बहुत बड़ी घटना इसको मानता हूँ और एक प्रेरणा शक्ति जो साफ साफ है दिखाई देती है, और मेरी जुबान से और मेरी आत्मा से एक ही बात निकलती है कि ये कोई परमात्मा की कोई अद्भुत व्यवस्था है ये, या किसी भगवान का अवतार है ये, क्योंकि हमने कभी इस विषय पे कभी इस तरह से नहीं सोचा था। आरसीएम में कुछ करना है ये तो जरूर सोचा, पर ये जो चीज बन के आई है और ये बीसीजी का एक शब्द जो है कि 1 करोड़ आरसीएम डिस्प्ले वाल, तो मेरे ख्याल से न ये उनकी दिल की बात है और इन्हें और किसी के दिल की बात है, ये कोई परमात्मा की बहुत नायाब व्यवस्था है। और कहते हैं कि समझने वाले समझ गए, और इसको जो नहीं समझे तो उससे बड़ी नादानी कुछ हो नहीं सकती है। मैं जब से ये बात आई है और जब से मुझे लगता है ये परमात्मा का आदेश मिला है, तो मेरे दिन रात जो विचार चलते हैं, जो प्लानिंग चलती है, या जो कंपनी की तैयारियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे चलती है कि आरसीएम डिस्प्ले वाल, कि इसमें जो ताकत दिखाई दे रही है ये हमें समझ लो कि जो हम जो चलते चलते राहों में, हम मान लो कार से चल रहे तो हमें अचानक से कोई हवाई जहाज मिल गया है ना, और इसमें जो संभावनाएं नजर आ रही, ये जो तरीका है, ये जो सुंदर व्यवस्था है, ये एक बहुत बड़ी अजीब ताकतवर चीज है। तो सारा विचार इसी की तरफ चलता है, और कंपनी में अब जो भी तैयारियां हो रही है वो उसी दृष्टिकोण से हो रही है। बहुत सारी चीजें सोची जा रही है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट पे काम चल रहा है कि आपको आरसीएम डिस्प्ले वाल चलाने में बिल्कुल भी कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं आए, आप बड़े आराम से आरसीएम डिस्प्ले वाल को संचालित कर सको, बड़े आराम से आप जिसको भी बोलो प्रोडक्ट दिल से प्रोडक्ट स्वीकार करेगा आपका, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं अभी, क्योंकि एंगल बदल गया, नजरिया बदल गया, तो हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो घर घर की जरूरत, सेहतमंद प्रोडक्ट और बेहतरीन क्वालिटी और उसके साथ सही रेट में और सही तरीके से, तो सारी तैयारियां उसके इर्द गिर्द चल रही है। और मैं आप सभी साथियों से यही सलाह देना चाहूंगा, यही अनुरोध करना चाहूंगा और यही निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी समस्त ऊर्जा को केंद्रित करें और आरसीएम डिस्प्ले वाल पर लेकर आए। आपका प्लान बताने का तरीके से ही आपको बदल देना चाहिए। अभी ज्वाइनिंग मत करवाइए आप, ज्वाइनिंग अब कोई विषय नहीं रहा है, अभी बिजनेस हो गया। आरसीएम डिस्प्ले वाल के द्वारा कोई भी हिंदुस्तानी व्यक्ति अपना बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, 10,000 रुपये लगाकर 400 प्रोडक्ट की डीलरशिप ले सकता है, वो बिजनेस समझाइए आप, और स्टार्टिंग आरसीएम डिस्प्ले वाल से करवाइए। तो हम सबको अगर हम इसी दिशा में ध्यान को केंद्रित करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल कर आएगी, क्योंकि पहले किसी बात की ताकत को पी जाना, अंदर तक उतार लेना, उस पर भरोसा करना, और फिर हमारी सारी जो शक्तियों को, सारी सोच को उस तरफ ले जाएं, तो मैं कहूंगा कि डायरेक्ट सेलर के लिए तो इसमें काम ही क्या है, ज्यादा क्या करना है आप जरा सोचिए, इतने इजी तरीके से इतनी बड़ी सफलता मिलने का कहाँ कुछ मिलेगा। पर फिर भी जो लीडर्स है, जो हमारे पुराने साथी हैं, जो सीनियर्स है, उनको मैं कुछ बातें जरूर आज याद दिलाना चाहूंगा कि सबसे पहले आप प्लान दिखाने का तरीका बदलिए, आप प्लान पहले जैसे मत दिखाइए, अभी प्लान दिखाइए आरसीएम डिस्प्ले वाल के द्वारा आरसीएम में काम शुरू करने का। दूसरा, लोगों को जिनको अभी भी कुछ मान लो डर लग रहा है, वो कुछ कोई इसको बहुत बड़ा कोई
उपक्रम समझ रहे हैं तो उनके डर को दूर कीजिए आप। तीसरा काम आप कीजिए, लोगों को इसके प्रति एजुकेट कीजिए। केवल मीटिंग में बोल देने से नहीं होगा, व्यक्ति से व्यक्ति मिलकर इसको चलाना, इसका मोबाइल में कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे बिलिंग करते हैं, वो थोड़ा सा एक एजुकेशन, और कैसे डिस्प्ले वाल में को घर पे सजाना है, कैसे उसकी ओपनिंग करनी है, और एक होम मीटिंग्स का सपोर्ट मिलना चाहिए। तो अभी सीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है, अभी फील्ड वर्क काफ़ी बढ़ गया है, तो वो अगर उस फील्ड वर्क को करें और लोगों में एक अवेयरनेस पैदा कर दें और डर को निकाल दें और सबके अंदर एक विश्वास पैदा कर दें और सबको चलाना सिखा दें और सबको चलाने में सपोर्ट करने लग जाएं, तो ये जो चीज़ इतनी स्मूथ हो जाएगी कि इससे स्मूथ कुछ भी नहीं बचेगा। तो सीनियर साथियों से मैं बार बार ये विशेष रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ी सी अपनी इसके प्रति जिम्मेदारी को बढ़ाइए, कि मैं आज यहाँ से बोल रहा हूँ तो ये बोलना काफ़ी नहीं होता है। हम सबकी एक ड्यूटी बनती है कि जो भी हमारा साथी जो शुरू कर रहा है, जो नया आ रहा है, उससे हम मिलें और उसकी सारी चीज़ को थोड़ा ठीक से शुरुआत करवा दें। और एक बार जब ये परंपराएं बन जाएगी, जब 10 लोग, 100 लोग, 1000 लोगों को आप सिखा दोगे, तो वो 1000 लोग 1 लाख को सिखाएंगे। इतनी ईजी चीज़ है, इतनी आसान चीज़ है, और इसमें कंपनी अभी बहुत सारी तैयारियाँ कर रही है। और जैसा कि मैं RCM दिवस पर भी बोल चुका हूँ कि 1 अक्टूबर से कुछ इसमें बड़ा धमाका होने वाला है, बहुत बड़ी चीज़ कुछ होने वाली है, क्योंकि जब मिशन हाथ में लिया है और जब कुछ आगे भविष्य नज़र आ रहा है तो उसमें कमी किसी चीज़ की नहीं रखी जाएगी। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर माह में डिस्प्ले वाल, और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शब्द बोलता हूँ तो मुझे लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया है। सब, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, सब जो भी एक्टिव है, जो भी RCM में कुछ हासिल करना चाहते हैं, जो भी RCM के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, सबके डिस्प्ले वाल होनी चाहिए। और क्यों नहीं होनी चाहिए, इसके कारण कोई है तो उन कारणों को दूर करना है। सबके होनी चाहिए ना, गिन के नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना है। और आपकी टीम में 1000 लोग हैं तो आप 50 या 100 खोल के खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबको कीजिए। तो मेरा पूरा फोकस RCM डिस्प्ले वाल पे है, क्योंकि ये मुझे इसमें कोई बहुत बड़ी दिव्य शक्ति दिखाई दे रही है, ये परमात्मा का एक बहुत बड़ा आदेश मिला है, और भारत को कुछ इंतजार है किसी बड़ी घटना का, और RCM के अलावा कुछ और ज़्यादा अच्छा कुछ नज़र आता नहीं है। हमें इस देश को RCM के माध्यम से भारत की स्थापना करनी है और स्वावलंबन और स्वास्थ्य का निर्माण करना है, तो RCM के द्वारा यह हो सकता है। और RCM के द्वारा होने के लिए RCM डिस्प्ले वाल अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो आप समझ गए होंगे, कोई किसी भी साथी की तरफ से किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज सही काम करने का वक्त आ गया है, और हम सब लोग एक सोची समझी, क्योंकि जीतने के लिए केवल जोश काफी नहीं होता है, जीतने के लिए सारी प्लानिंग अच्छी होती है, जब भी वर्ल्ड कप जीते जाते हैं। और हम इस RCM डिस्प्ले RCM में, ये आपके सामने वादा करता हूं कि RCM जिस तरह के प्रोडक्ट आज आपको दे चुका है, इससे कुछ अच्छा ही होने वाला है, इससे कमजोर कुछ नहीं होने वाला है। बड़ी गंभीर तैयारियां चल रही है हमारी, तो कंपनी की तरफ से मैं आपको कमिटमेंट करता हूं, बस आपका भी मुझे ये सहयोग चाहिए। बहुत सारी उम्मीदें हैं आप सब लोगों से कि आप अपनी पूरी एनर्जी को और एक अच्छी सोची समझी प्लानिंग के द्वारा, एक सही गाइडलाइन के द्वारा और सही अपनी जो रणनीति के द्वारा इस काम को बहुत गंभीरता पूर्वक और बहुत अच्छे से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं अपना उद्बोधन यही समाप्त करूंगा। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।